अब ये दिल बाज नहीं आ रहा, इतना जरूर कर रहा हूँ, कहूंगा मैं तरह ना आके ये जो देख रहा हूँ, देख में हमारे बुजुर्गों को कहते थे कि अगर देख को पहचानना है तो देख में एक चावल देखा जाता है। वाह, तो उससे मुझे ये अंदाजा लगा कि बहुत, मुझे ऐसा लगता है फारूक साहब कि बहुत दिन बाद प्यार करने वालों में आया हूँ। बिस्मिल्लाह, फिर से Yeah.
मर जानी है। हर फूल की रंगत समझे है, हर कली की खुशबू जाने है। कहना है कि आमाल तो सारी दुनिया के, अल्लाह तू बेहतर जाने हैं। हर फूल की रंगत समझे है, हर कली की खुशबू जाने हैं। जो लोग सामने खड़े हैं तो वो आप लोग पहले की तो बड़ा की पसंद और मजा आएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं मैं किस लिए कह रहा हूं। बड़ा हसीन माहौल आज तराना में देखने को मिल रहा है। आइए मैं आपके बीच में ज्यादा वक्त ना लेते हुए चार मिसरे पढ़ के हम का मतलब रख रहा हूं। भाई ने बड़ी अच्छी बात कही रियाज साहब ने कि ऐ राम रहीम के मतवारो भाषण के हिंदी क्यों रहते हो, अल्लाह भी हिंदी समझे है, भगवान भी उर्दू जाने हैं यकीन। मगर यार साहब मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे मौला हुई चट्टानों पर, वो अपने चाहने वालों को आजमाता है। गुजर करो इन्हीं तपती हुई चट्टानों पर, वो अपने चाहने वालों को आजमाता है। तमाम रंग हैं उसके दूर से मांग के देख, तमाम रंग उसी के हैं दूर से मांग के देख, वो तितलियों के परों पर होना दिखाता है। इतना बड़ा हिट हुआ है और YouTube के माध्यम से और TikTok के जरिए से बहुत आजकल वायरल में है। वक्ते शाम सूरज से है, नहीं साहब अच्छे शहरों में शुमार है। बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, सहर होते ही तारों से कयादत छीन लेता है, सहर होते चलने फिरने का सलीका सीख लो उसकी जमी पे, चलने फिरने का सलीका सीख लो उसकी जमी पे, चलने फिरने का तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है, तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है, तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। कोई
किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ बहाना है खुदा देता है, आदमी सिर्फ बहाना है खुदा देता है, जब वो देता है तो देने पे ढेर देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ बहाना है खुदा खुदा। मुझे ऐसा बताया गया कमेटी ने कि जुनैद भाई जिस सरजमीन पे आप आए हैं तकरीबन ये उर्स 12-15 साल के बाद फिर से माशाल्लाह एक रौनक आई है, बाहर से आई है कराना में, मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम बच्चे पाक के सदके में हमेशा ऐसी मोहब्बत ऐसी एकता और ऐसी बहार हमेशा आती रहे, अभी आती रहे तराना शहर में, क्योंकि हमारे मौजूद मेहमान सारे प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं यहाँ पे। सिर्फ ये कहना चाहूंगा हो इज्जत का ताज रखता है कि मुश्किल में हूं। से बढ़ना चाहता हूं वक्त के
साथ वक्त के साथ बदलना भी नहीं सीखे हैं, वक्त के साथ बदलना भी नहीं सीखे हैं, वक्त के साथ बदलना भी नहीं सीखे हैं, ठोकरे खा के संभलना भी नहीं सीखे हैं, ठोकरे खा के संभलना भी नहीं सीखे हैं, ठोकरे खा के संभलना भी नहीं सीखे हैं, मेरे माँ मुश्किल में है रख लाज सबकी, एक तेरा सहारा है मौला। दरअसल आपको तो सब पता है साहब, मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि मैं तमाम मजहब के बीच में बैठ के पढ़ रहा हूँ, ना कि मैं खाली मुसलमानों में पढ़ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद सुल्तानी और काफी फनकार ऐसे हैं, क्योंकि ये खुद भी एक कलाकारों की नगरी कहलाती है तराना, माशाल्लाह यहाँ पे कवि भी हैं, शायर भी हैं, सिंगर्स भी हैं, और सबसे बड़ी दौलत ये है कि यहाँ सुनने वाले हैं। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, मेरी एक गड्डी आ गई, जितनी भी आवाज मुझे सुन रही है, चाहे वो सोशल मीडिया से सुने या वो लाइव सुने या वो दिल से सुने या कानों से सुने या दिमाग से सुने, मगर तो मैं तो साहब सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जब पूरी मजहब के लोग बैठे हैं तो अपनी बात रखना भी चाहिए। मुश्किल में हूं रख लाज मेरी, पहले मुश्किल में आ गए थे हम लोग, बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगाई हैं साहब हमने, जब करेंसी बंद हुई थी पसीने निकल ही आए थे, अलग नोट बंद हो गए भैया, अलग जाओ लेन में, तुम्हारा चला जुनैद सुल्तानी साहब प्रोग्राम में तो गए नहीं है, एटीएम की लाइन में लगे हुए के सबसे पहला नंबर मेरा का है, दूसरा बहुत सारे, मगर मैं कोई सियासत की बात अल्लाह ना करे नहीं कर रहा हूँ, ये एक मंच एकता का है, तो मैं एकता की बात कर रहा हूँ कि मुझे खुशी है कि सारे मजहब के लोग यहाँ हैं और हर मजहब की बात सुनी जा रही है और कही जा रही है। एनआरसी आवेग और आ गया 500
मैं इसलिए ये बात कह के लाया हूँ आपके बीच में कि ये तो एनआरसी दुनिया भी है मगर ये एनआरसी परवरदिगार की है। भजन ये तो ऊपर वाले की एनआरसी है जिसे चाहे रखे। साहब तो ये वो मिश्रा है कि मुश्किल में हम सब हैं, खाली एक नहीं, क्योंकि वो रहमतुल्ली परवरदिगारे आलम है, रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुसलमीन नहीं है, अली मुसलमानों का नहीं है रब, वो रब्बुल आलमीन है, कुल आलम का मालिक वो है। तो अब उससे कहा जाए ना तो उससे क्या कह रहा हूं, मुश्किल में हूं रख लाज सबकी एक तेरा सहारा Oh,
चले जाए, आप जाते हैं हम चले जाए। ये कितनी मुसीबत से महफिल सजाई गई आप लोगों को क्या पता, ये कमेटी जाने बिचारी और ये लोग जाने जो बैठे हैं खुद आकर के नहीं, ये प्रोग्राम जिनकी वजह से हो रहा है। सुकून मना ले आप लोग, बड़ा मेहरबानी, इतनी बड़ी महफिल सजाना कोई खेल ना समझे आप लोग, सुकून से आप लोग बैठे। सर तवज्जो चाहूंगा मैं, बेटा बैठ जाओ भाई, बच्चे बैठ जाओ। बहुत सारे जो मेरे साथ अभी मंच में मैंने देखे, मेरे बड़े, मुझे नाज है ये कहने में, मेरे बड़े हिंदू महोदय बैठे थे जो कि मेरे सामने बैठे हैं, बहुत सारे नाम यहाँ मौजूद है, बहुत सारे नाम मौजूद हैं, बहुत सारे अली वाले मौजूद हैं। मगर सर मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं और आपकी दुआ भी चाहता हूं, दाद भी चाहता हूं, क्योंकि आज सुनने वालों को सुनाना हूं। अभी मैं फारूक भाई से कह रहा था, मैंने फारूक भाई बहुत गलत जगह आ गए अपन, तो बोले भाई गलत जगह नहीं आ गए, बहुत सटीक जगह है, मुंबई की भाषा में सटीक जगह है भाई। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा जितनी भी आवाम बैठी है कि आवाज गुजर भाई ये खुद शांत हो जाएंगे, थोड़े से आप लोग कमेटी वाले भी पीछे हो जाओ, हल्के से हल्के। आप जो सामने जो बैठे हैं जरा मेरी बात सुन लें, जो मैंने सर के सामने बात रखी है। हट जाओ भाई, शाम के बाद से हट जाओ, बंद कर दो।